खबर धनबाद के बागमारा से, जहां बालकोनी के सहारे घर का ताला खोलकर चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। यह घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9C में घटी और हालांकि अब तक घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है कि हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9C स्ट्रीट 29 आवास संख्या 1152 में शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों ने बालकोनी के सहारे घर में घुसकर मास्टर चाबी से गोदरेज खोलकर उसमें रखे गए सोने के गहने 25,000 रुपये नगद पर हाथ साफ कर लिया है। गृह स्वामी सेक्टर 4 में कंप्यूटर मरम्मत कार्य करते हैं और उनकी सेक्टर 4 में अपनी दुकान है। गृह स्वामी दिलीप चौहान ने बताया कि वे अपने कमरे में सोए हुए थे तथा उनकी पत्नी बच्चों के साथ अलग कमरे में सोई हुई थी। तभी उसे आवाज़ आई तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। दिलीप चौहान ने चोरों का पीछा किया लेकिन चोर भागने में सफल रहे। गृह स्वामी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है लेकिन अब तक पुलिस उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुकान से आके और वहाँ पे टांगे हुए थे मेरा शर्ट तक चेक किया था, 140 रुपये एक बच्चा जो बेटी है वो क्या घटना। हम लोग सोए हुए थे, हम यहाँ पे सोए हुए थे, वाइफ और बच्चा लोग अंदर रूम में दीवान पे सोए हुए थे। करीब ये 4 बजे के करीब चिल्लाने लगी, बोल रही है कोई है देखिए। तो ये दौड़ के वो भागने लगा था लेकिन हम उठे और बगल में दीवान के नीचे डंटा रहता है, वो अथी बोले जी देखिए उधर भागा कोई। तो नीचे तक गए लेकिन कोई दिखा नहीं, तो फिर वापस आए, फिर सर्च करने लगे क्या अथी हुआ। तो देखे अलमीरा खुला हुआ था, अलमीरा में से मंगलसूत्र था, अंगूठी था, कान का था, बच्चा लोग का था, कुछ कैश था, वो सब सारा लेके चला गया। कितने का सामान ले गया? करीब 2-2.5 लाख का गहना था और 25-30 हज़ार रुपया कैश था, बच्चा लोग का भी जमा किया हुआ पैसा। दरवाजा बंद था? दरवाजा है आगे से, गेट तरफ से वो बालकनी है, बालकनी तरफ से वो कुछ से खोला है, वहाँ उसका खोलने का निशान भी है। वहाँ वो पौधा था, पौधा हम जो पौधा लगाते हैं वो गमला में, गमला सब सारा वो साइड।